विवादों में रही सिंगरौली की रिलायंस शासन पावर कंपनी में फिर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें इसमें काम कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक के परिवार ने कंपनी पर सुरक्षा के मापदंडों का पालन न करने का आरोप लगाया है। संजय यादव रिलायंस शासन पावर प्लांट में पेटी पर कार्य कर रहे थे। कंपनी में कार्य के दौरान एस पाइप फूट जाने की वजह से वे घायल हो गए, जिसके बाद रिलायंस प्रबंधन ने उनको इलाज के लिए नेहरू चिकित्सालय जयंत में भर्ती कराया, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही सैकड़ों लोगों ने हंगामा कर दिया। जिला प्रशासन की समझाइश और मुआवजे की घोषणा के बाद हंगामा शांत हुआ। मृत व्यक्ति के परिवार को 6 लाख एकमुश्त व 8,250 रुपए हर माह देने का वादा किया गया। लिखित तौर पर समझौता किया गया है। देखिए, रिलायंस पावर प्लांट के कंपनी के द्वारा बार बार लापरवाही की जा रही है। इसके पहले भी आप देखेंगे तो रिलायंस पावर प्लांट का एसडीएम टूटा था, उसमें 6 लोग मृत हो गए थे। और आज रिलायंस पावर प्लांट के अंदर पावर मैन कंपनी में बॉयलर में काम कर रहे थे संजय यादव जी। उनका ड्यूटी जबकि 8 घंटे का है, 8 घंटे की वजह उनसे 12 घंटे ड्यूटी कराया गया। उनका ड्यूटी मिल में था, लेकिन मिल के जगह पे उनको बॉयलर के पास जो पट्टा चलता है वहाँ भेजा गया। वो पट्टा जाम हो गया था। पट्टा जाम होने के बावजूद भी जो वहाँ का कर्मचारी था सरोज ओझा, जो वहाँ का इंजीनियर था, उसने ज़बरदस्ती भेजा। जैसे ही अंदर गए, ऊपर से उनका जो राखड़ था फीड होके गिरा और वहाँ से दब गए। दबने के बाद जो वहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो छोड़ के भाग गए। 2 घंटे बाद निकाले हैं। निकालने के बाद सीधा उनको नेहरू हॉस्पिटल ले गए हैं। परिवार वाले को नहीं बताया है और मौजा के नाम पे ये लोग सौदा कर रहे हैं। लगातार सर हम लोगों की ये मांगे हैं जो प्रशासन को, शासन को हम लोग अवगत कराते आ रहे हैं। सिंगरौली के बेरोजगारों का, सिंगरौली के गरीबों का, सिंगरौली के विस्थापित लोगों का रिलायंस के निगाह में एक व्यापारी है, उसको किलो के भाव का ये लोग मुआवजा देते हैं। सबसे बड़ी जो उनकी जिम्मेदारी है, सेफ्टी जो सुरक्षा अधिनियम है, उसका ये खुला उल्लंघन करते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि संजय यादव जी राखा टैंकर, वो टैंक खोलने गए थे, बॉयलर का लोगों कहना है कि बंद होने के 24 घंटे बाद पानी का फुहारा मारकर खोला जाता है, पर किसी सीनियर अधिकारी ने आके उनको निर्देशित किया और वो जाके बॉयलर खोल दिए और उनका राख गिर गया, इसके वजह से वो जल गया। मृत व्यक्ति के भाई ने रिलायंस कंपनी पर आरोप लगाया कि आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रिलायंस कंपनी व जिला प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है। रिलायंस कंपनी में जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं वे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के परिवार के हैं, जो सिफारिश से भर्ती हुए हैं और योग्य नहीं है। इसीलिए आए दिन इस कंपनी में दुर्घटनाएं हो रही हैं। यदि ऐसे ही रिलायंस कंपनी का रवैया चलता रहा तो कंपनी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। रिलायंस पावर प्लांट का लापरवाही, उसमें बॉयलर बंद था, 12 घंटे भी नहीं हुआ था, उसके अंदर घुसा दिया लोग। जो एस स्थिति थी पूरी हीट था, उसमें 100 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें काम करने के लिए बोला लोग, अंदर गया ऊपर से राखी गिरी पूरा उसमें ढक गया। ढकने के बाद सारे लोग भाग गए। उसने हमसे कोई बातें नहीं कर रहा रिलायंस पावर अभी तक, न कॉल किया न बात किया। मैं 3 बजे भोर से आया हूँ, एग्रीमेंट तो लेकर नहीं आया है अभी तक, पेपर ऊपर कुछ भी लेकर नहीं आ रहा। इंतजार कर रहा हूँ 3 बजे भोर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।